पढ़ाई वगैरह हो गई मतलब तुम लोगों की? हाँ, हो गई। ओके, गुड। जवानों, तो फाइनली अब हम चलेंगे किनके यहाँ? बबली बबली के। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं लेकिन बिल्कुल अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि पूरी हालत खराब हो रही है। सुबह से बस नहा धो के सब काम में लग गए हैं, सारी चीजें पैकिंग करने में लग गए हैं। मैं हूँ, ये हैं, ओम है और माधव है। तो ये इन दोनों बच्चों ने आगे बहुत ज्यादा हेल्प करी बच्चों को भी संभालने में। और सोमंदर सो रहे हैं, उसको तो कहीं इस दीवान से उस दीवान में, तो इस दीवान से उस दीवान। और आयु अपनी बड़ी माँ के आए हैं। चलो फटाफट कर लेते हैं काम, नहीं करेंगे ज्यादा बातें। ज्वालामुखी की तरह जलते लाल की तरह आएंगे कपड़े बाहर। ये कितने का टेप मिला था अभी? कट कौन? अरे क्या संगीता? ₹20 में तो तुम एक कबाड़े वाले को बोलोगे तो वो ले लेगा एक डिब्बा। हाँ यार, एक महीने में दो दो छुट्टी में तो यही हाल है। हाँ सब जो
ये किसी डिब्बे का ढक्कन है। माधव यहाँ लगे हैं बर्तन जमाने में, झूठी जगह में बर्तन ना रखें कृपया। और ये लोग अपना काम करने के बाद दोनों खड़े हैं। वो कितना लंबा हाँ बताया मैंने उनको अभी ले जा पकड़ना। हाँ लेकिन कसना पड़ेगा हाँ सब कट लेंगे है उठा शिफ्टिंग रखने हैं। हाँ, वो टंकी तो खत्म हो गई। ले आया। ले आया खोल के। और ये बच्ची है जो ऊपर पिलर पे। अच्छा मैं सोचा था दीवार में से ले आया। दोनों नहीं एक ही। सो मैं यहाँ पर कर रही हूँ मंदिर के भगवान और जो बुक्स वगैरह रहती हैं पूजा पाठ की उन सबको मैं अलग ही पैक कर रही हूँ क्योंकि वो ये बाइक में लेकर जाएंगे। पूरे सामान के साथ हम इसको नहीं भेजेंगे, इसे अलग से भेजेंगे। और मैं आप लोगों को बताऊँ यार, शिफ्टिंग करना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। अच्छी खासी पूरी बड़ी बड़ी बनी बनाई जो गृहस्थी होती ना। और जस्ट अभी हम लोग आए थे तो हमें एक महीना ही हुआ और उसके बाद तुरंत हमें फिर से शिफ्ट करना पड़ रहा। तो आप लोग देख सकते हैं मेरी हालत कितनी डाउन हो गई है। एक्चुअली मेरे छोटे बेबी जो हुआ है वो सीज़र से हुआ है और आप लोगों को मालूम है कि सीज़र के बाद 6 महीने रेस्ट बोला जाता है। भारी सामान नहीं उठाना, ठंडा गर्म इन सब चीज़ों का ध्यान दिया जाता है। और अभी वैसे भी ठंड का मौसम शुरू हो गया है लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे तुरंत डिलीवरी के 2 महीने बाद ही शिफ्ट करना पड़ा दूसरी जगह। और अभी फिर इसमें इस घर में भी 1 महीने ही हम लोग रहे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है। उसके बाद फिर तुरंत शिफ्ट करना पड़ रहा है और इस कंडीशन में इतनी जल्दी जल्दी बार बार शिफ्ट करना, एक मकान से दूसरे मकान में चेंज करना हंसी मजाक नहीं। आप समझ ही सकती हैं कि इसमें मेरी क्या कंडीशन हो रही है, मेरी कितनी हालत, कितनी तबीयत खराब हो रही है, लेकिन फिर भी सब करना। हम लोगों ने सोचा ही नहीं था कि इतनी जल्दी हम लोगों को इस घर को खाली करके जाना पड़ेगा। और मतलब मैं कहता था मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ना बहुत इतनी दूर आके और मुझे इतना बेकार लग रहा है इतने समय से, इतने साल से दीदी के साथ थे और अचानक इतनी दूर जाना पड़ रहा है। और अब फाइनली जहां हम लोग जा रहे हैं तो दीदी के बहुत ही पास है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों को उस नए घर का वीडियो दिखाऊंगी। लेकिन शिफ्टिंग 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 ये सब कर करके ना बहुत दिमाग खाली हो गया और ना पूरी चीजें जम गई हैं। जैसे ये जमा मतलब अभी बहुत सारी चीजें हम लोगों ने रखी नहीं है लेकिन बहुत सारे कार्टून वहां पे रख दिए हैं, जैसे बहुत सारे यहाँ रखे हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा आप लोगों से बात करूं, आप लोगों को भी बता दूं कि थोड़ा टेंशन तो होता ही है घर खाली करने में, लेकिन इसलिए टेंशन कम है क्योंकि अब हम लोग मतलब बहुत अच्छी जगह जाने वाले हैं। चले चलो भैया। सो हम लोग आ गए हैं अब यहाँ पर और वहां से सामान लेके शिफ्ट हो गए हैं। बट अभी सामान जो होने में बहुत दिन लगने वाले हैं क्योंकि उठाने में समेटने में ही हम लोगों का पूरा दिन लग गया है। और अब तो व्यवस्थित सारी चीजें जमानी है तो पता नहीं कितना टाइम लगेगा, बट ठीक है देखते हैं हो जाएगा सब कुछ स्लोली स्लोली। क्यों वो पन्नी कहाँ है जिसमें होते हैं सब? क्या हो रहा है? अरे यार फ्रिज की ये जो है ना गंदी हो रही है तो मैंने सोचा निकाल लेते क्या साफ कर लेते हैं। ये पीछे पानी क्या हुआ? नहीं नहीं तो कुछ थोड़ा थोड़ा नहीं आ रही लोग जल्दी में। ए आयु बहुत खुश है भाई समझे, आयु बहुत खुश है अपना छाता वाता लेके यहाँ एक एक करके डक वक लेके आ रहा है सब चीजें। हाँ जा रही थी
एक और ऐसा हमारा बैग भी था ना, ये मैंने ट्रैक सूट उसका डाल दिया। ये आपका ट्रैक सूट है क्या? नहीं यार, पहले मैं पहनता था। देखो मैं देख रही ना तो किसके के साथ ये तो मेरा बैग है। हट। नहीं सो हम लोग आ गए हैं, ये घर है और अभी सामान बस पूरा इधर उधर बिखरा पड़ा है। जमाने में तो अभी कई दिन लग जाएंगे। तो चलिए इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, चैनल में नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।